हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा ब्लाउज़ की कटिंग, अब इस वीडियो में आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना बताऊँगी। तो जैसा कि ये हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है इसलिए इसमें फैब्रिक जो है कम पड़ गया है, इसलिए हमने बाजू में अलग से फैब्रिक को कट करके अटैच करना है। तो ये हमने बाजू के दोनों साइड कपड़े को अटैच करने के लिए कट कर लिया है इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने चार भागों में कट कर लिया है, दोनों साइड लगाएंगे। और ये जो नीचे की साइड थी बॉर्डर को हमने कट करके अलग कर लिया ताकि इसे हम बाजू पर यूज़ कर सकें। तो इसे अभी हम रखते हैं साइड में, इसके पहले हम अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। तो ये है इसका बैक पार्ट जिसमें हमने डॉट लगाया है, और इसी तरीके से हमने दूसरे साइड भी डॉट को मार्क कर लिया है। इसी मार्क पे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और ये है इसका फ्रंट पार्ट जिस पे भी हमने मार्क लगा लिया है दोनों साइड, और इसी मार्क के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट को स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाले दोनों डॉट की स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए ये कपड़े की फ्रंट साइड है और ये है बैक साइड। तो बैक साइड की तरफ से हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और नीचे के दोनों साइड को हमें बिल्कुल बराबर रखना है। किनारे की साइड को बिल्कुल बराबर रख के हमें ऐसे तिरछे में यहाँ पे स्टिचिंग करनी है, बिल्कुल इस तरीके से। पहले नीचे हमें पक्का कर लेना है सिलाई को, फिर ऊपर की साइड हमें तिरछे में ले जाना है और ऊपर की साइड भी हम सिलाई को पक्का कर लेंगे ताकि सिलाई खुलने का डर ना रहे। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये स्टिच हो चुका है। तो इसी तरह से हमें तिरछे में स्टिच कर लेना है और नीचे वाले दोनों साइड को बिल्कुल बराबर रखना है ताकि ये जो नीचे की साइड है हमारी बिल्कुल बराबर आए। और इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने ये बैक पार्ट के दोनों डॉट की सिलाई कर ली है। तो ये है इसका बैक साइड और ये है इसका राइट साइड। तो राइट साइड से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद हम फ्रंट वाले साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट साइड। तो सबसे पहले हम नीचे वाले डॉट की स्टिचिंग कर लेते हैं। जिस तरह से हमने बैक वाले पार्ट में स्टिचिंग की थी डॉट की, बिल्कुल उसी तरीके से नीचे के कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है और ऊपर के साइड बिल्कुल बराबर रखना है। और जितना हमने मार्क लगाया है बिल्कुल उतना ही हमें स्टिचिंग करना है। अगर उससे ज़्यादा या उससे आप कम करते हैं तो आपके ब्लाउज़ की फिटिंग जो है बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, अच्छे से नहीं बनेगी, कम या ज़्यादा कपड़ा हो सकता है। तो इसीलिए जितना मार्क लगाएं उसी के हिसाब से हमें स्टिचिंग करना है। तो ये हमने नीचे वाले डॉट की स्टिचिंग कर ली है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से तिरछे में स्टिचिंग करना है। अब इसके बाद हम ये दूसरे वाले नीचे की डॉट की स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए जितना हमें डॉट लगाना है उतना हमने मार्क कर लिया है। अब इसी के बराबर हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। अब फ्रंट साइड या बैक साइड दोनों डॉट को बिल्कुल एक बराबर ही स्टिच करना है। अगर कम ज़्यादा आप करेंगे तो कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए हमने दोनों डॉट को लगा लिया है। अब हम ये बीच वाली साइड की डॉट को लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस पर भी मार्क कर ले रहे हैं जितना हमें कपड़ा दबाना है। तो देखिए बिल्कुल ये आधे इंच का गैप रहेगा, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। और नीचे की साइड जो है वो सिर्फ एक इंच का रहेगा और बाकी सारे आधा आधा इंच की गैप पे ही डॉट लगेंगे। तो किनारे की साइड से इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और जो बीच वाला साइड है उसे बिल्कुल बराबर रखेंगे दोनों तरफ से, और दोनों किनारे के साइड को बिल्कुल तिरछे में रखेंगे और एक बराबर ही रखेंगे वरना कपड़ा तिरछे में दिखने लगेगा। तो देखिए हमने इसे सिर्फ आधा इंच ही दबाया है। देखिए दो सूत का मार्जिन लिया है, दो सूत इधर से और दो सूत इधर से, तो आधा इंच हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस किनारे वाले डॉट की स्टिचिंग करेंगे। तो ऊपर की साइड से हम इसे पकड़ेंगे और नीचे की साइड हम इसे तिरछे में ले जाएंगे, और नीचे की साइड भी हम इसे दो सूत रखना है और ऊपर की साइड से बिल्कुल तिरछे में लेते जाना है, और नीचे की साइड हमें इसे चौड़ा करते जाना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब इसके बाद हम ऊपर वाले डॉट की स्टिचिंग करेंगे। तो इसे भी हमें आधा इंच ही दबाना है, दोनों तरफ से हमें दो दो सूत बस दबाना है और दोनों मिला के ये आधा इंच हो जाएगा। तो इस तरह से हमें रखना है और ऊपर की साइड से हमें चौड़ा करना है और नीचे की साइड से हमें बिल्कुल पतला करते जाना है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ये हमने चारों डॉट को कंप्लीट कर लिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे साइड के डॉट की भी स्टिचिंग कर लेंगे।
तो ये हमने दोनों तरफ के डार्ट को बिल्कुल स्टिच कर लिया है और दोनों को बिल्कुल बराबर रखना है। जितना राइट साइड वाला हो उतना ही लेफ्ट साइड को भी रखना है। अब इसके बाद हम फ्रंट और बैक दोनों साइड को ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों राइट वाले साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और जो लेफ्ट वाला साइड है उसे बाहर की तरफ रखेंगे। और इस तरह से पहले हम कंधे की स्टिचिंग कर लेंगे जितना हमने मार्क लगाया है। तो इस तरीके से दोनों कंधे को बिल्कुल बराबर रखेंगे और इसके बाद इस पर स्टिचिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद एक राउंड और इस पर हम स्टिचिंग कर लेंगे ताकि सिलाई जो हो हमारी मजबूत हो जाए। फिर इसी तरह से हम दूसरे वाले कंधे को भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमने दोनों कंधों को ज्वाइंट कर लिया। अब इसके बाद हम इसकी नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो जो हमारी बची हुई फैब्रिक है उसे हमें ऑरेप साइड में रखना है। तो देखिए ये ऑरेप साइड है, जो कपड़ा फैलता है खींचने पे उसे ऑरेप साइड कहते हैं। फिर इस तरह से हम इसे स्केल रख लेंगे और डेढ़ डेढ़ इंच की पट्टी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से डेढ़ इंच पर हमें मार्क लगा लेना है और इसी तरह से हमें दो तीन पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो ये हमने दो पट्टियाँ कट कर ली हैं और दोनों डेढ़ डेढ़ इंच के हैं। दोनों पट्टियाँ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इन दोनों पट्टियों को इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों साइड से बिल्कुल तिरछे में इस तरह से रखेंगे और इस पर स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये ऑरेप में आ जाएगा, देखिए। और फिर इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसे नेक पर लगाएंगे। तो नेक वाले पार्ट को हम लेफ्ट साइड से रखेंगे और पट्टी को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। और फिर इसके बाद जितना हम नेक के लिए मार्जिन छोड़ के स्टिचिंग करते हैं उतना ही हमें मार्जिन छोड़ के स्टिचिंग कर लेना है। और ऊपर वाली पट्टी को हमें बिल्कुल खींच के रखना है और नीचे वाले कपड़े को हमें बिल्कुल सीधा करते जाना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट करना है वहाँ पे कपड़े को बाहर निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पे एक ज्वाइंट लगाना है पट्टी में। तो देखिए इस तरह से हम पट्टी पे एक मार्क लगा लेंगे और दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी के बराबर मार्क लगा लेंगे। और दोनों साइड से सिलाई करने के लिए फैब्रिक छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिला के रख लेना है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर देना है। और फिर इसके बाद हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे बैक साइड से। तो इस तरीके से जितने पे हमने मार्क लगाया था उसी पे हमें इसे सिल लेना है और सिलाई को पक्का कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल बराबर आया हुआ है। अब इसके बाद हम इस पर सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने पाइपिंग लगा ली है लेकिन इसका वीडियो हम नहीं बना पाए इसलिए आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आप पाइपिंग लगाना सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम हुकाई के लिए पट्टी लगाएंगे। तो ये हमने फ्रंट वाले साइड को दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर रख के बीच से कट कर लिया है। फिर इसके बाद हमने ये 3 इंच की पट्टी कट कर ली है। अब इसे हम बैक साइड से रख के राइट साइड की तरफ लगाएंगे और ऊपर के साइड थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे फोल्ड करने के लिए जिधर हमारा नेक है। और फिर इस तरह से हमने जितना सिलाई मार्जिन छोड़ा था उतना ही हमें इस पर सिलाई कर लेना है। अब इसके बाद जो नेक की साइड है उधर से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और ये चौड़ी पट्टी बना लेनी है। जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे ही बराबर हमें बस इस कपड़े को आगे बढ़ाना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है क्योंकि ये नीचे की साइड रहेगा जिसमें जो हमारा हुक है उसे फंसाने के लिए इसमें आई बनाएंगे। तो इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और इस पर बिल्कुल बराबर करके स्टिच कर लेना है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड को भी बना लेना है जिसे हमें हुक लगाना है। तो इसे हमें आगे की साइड नहीं बढ़ाना है, इसे हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। इसलिए हमने इस पट्टी को कम कट किया है 2 इंच पे और इसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने इन दोनों साइड को बना लिया है। ये है राइट साइड और नीचे वाला लेफ्ट साइड है जो नीचे की तरफ रहेगा और ऊपर के साइड हम बिल्कुल आगे की तरफ कपड़े को नहीं बढ़ाएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और नीचे वाले कपड़े को हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। क्योंकि हम इसमें हुक लगाएंगे तो नीचे की तरफ हमें कपड़ा चाहिए वरना ये शरीर में चुभेगा, तो नीचे की साइड हमें कपड़ा बढ़ाना होगा। और इस वाले साइड में हम हुक लगाएं या बटन लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम बैक वाले साइड पे नीचे पट्टी लगा के 2 इंच की और इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हम किनारे किनारे पहले इस पर स्टिचिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसे लेफ्ट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इस पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम फ्रंट वाले साइड पे भी दोनों साइड इसी तरह से 2 इंच की पट्टी लगाएंगे
और अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि नीचे हमारा कपड़ा नहीं था एक्स्ट्रा, इसलिए हम इस पर पट्टी लगा रहे हैं ताकि अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। तो ये हमने दोनों साइड इसी तरह से पट्टी लगा ली है और दोनों बिल्कुल एक बराबर लगाना है, वरना फ्रंट पार्ट एक छोटा और बड़ा हो जाएगा। और फिर इसी के बराबर हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब इसी तरह से हम ये दूसरे वाली साइड को भी फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने दोनों पार्ट पर सिलाई लगा ली है फ्रंट वाले। अब इसे एक बराबर रख के हम इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि हम जब कमर की फिटिंग करें तो ये इधर उधर ना फिसले। तो ये हमने नीचे के साइड के कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इसे बॉर्डर बना लिया है। अब इसके बाद हम इसके चेस्ट की और कमर की फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने से पहले आप इसके कमर की और चेस्ट की मेजरमेंट ज़रूर कर लें। अगर बिल्कुल बराबर आता है तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ हो तो उसे मार्क कर लें और फिर उसके बाद फिटिंग करें। तो ये हमने एक साइड से सिलाई कर ली है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे और सिलाई को हम डबल लूप चलाएँगे ताकि ये मज़बूत रहे। अब हमने ये स्लीव की ज्वाइंट कर ली है, बॉर्डर को हमने इसमें अटैच कर लिया है और ये दोनों तरफ जो फैब्रिक कम पड़ रहा था हमने उसे ज्वाइंट कर लिया है इस तरीके से। और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले बाजू को भी अटैच कर लिया है और इस पे हमने मार्क लगा लिया है जितना हमारा बाजू का बॉटम है। तो ये हमने जो दोनों आर्म होल में फ्रंट साइड में आधा इंच गहराई लिया था उसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे और जो गहराई नहीं है उसे बैक साइड से। और इस बात का ध्यान दें कि जो ये आधा इंच गहरा है इसे एक तरफ ज्वाइंट करेंगे और जो नहीं है उसे बैक की तरफ। अगर उल्टा कर देंगे तो आर्म होल में खिंचाव आएगा और वो बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो इस तरह से हमें नापना है और बिल्कुल बराबर करके मार्क हमने लगा लिया है और यहीं से हमें स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से हमने दोनों बाजुओं पर सिलाई लगा ली है। अब इसे आर्म होल के साथ हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम आर्म होल को पकड़ेंगे जहाँ से हमने सिलाई लगाई है और राइट साइड की तरफ, और बाजू के भी सिलाई वाली साइड को पकड़ेंगे राइट साइड की तरफ और इन दोनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे दोनों सिलाई को। और इस तरह से अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इस पर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है ताकि वो नीचे से छोटा ना हो, और बिल्कुल बराबर से रख के हम इस पर किनारे किनारे बिल्कुल चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और अपने बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमने बाजू को अटैच कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। और ये जो नीचे वाली सिलाई है बिल्कुल इसे एक बराबर रखना है, ये ध्यान दी कि ये इधर उधर ना फिसले। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले बाजू को भी अटैच कर लेंगे। तो फाइनली ये हमारा ब्लाउज तैयार हो चुका बहुत ईजी तरीके से। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।